हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो टैबलेट की टेंशन खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। राज्य में लगभग 2,65,000 छात्रों को सीएम धामी ने तोहफा दिया है। तोहफा सियासी है या फिर नहीं, इस पर बहस हो रही है, मगर तोहफा है क्या यह जान लीजिए। तोहफा है निशुल्क टैबलेट खरीद के लिए हर छात्र को डीबीटी के जरिए 12,000 रुपए की धनराशि। यानी आप कह सकते हैं, जो बीजेपी कह रही है कि यह न्यू ईयर गिफ्ट है, गिफ्ट सीएम साहब का गिफ्ट। टैबलेट खरीद के लिए राजकीय स्कूलों के 10वीं 12वीं के 1,59,000 छात्रों को डीबीटी के जरिए धनराशि दी गई टैबलेट खरीद के लिए। सीएम के इस कदम पर विपक्ष को पहले से ही एतराज था, वो सवाल उठा रहा था। सवाल ये कहते हुए कि टैबलेट जितने का है उससे ज्यादा की खरीद पर टैबलेट सरकार खरीद रही है, यानी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार ने बवाल को बढ़ता देख फैसला ये लिया कि डीबीटी के जरिए छात्रों को 12,000 रुपए दे दिए जाएंगे। वहीं सरकार का दावा है कि डिजिटल लर्निंग के जरिए राज्य के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं चल रही हैं, 600 स्कूलों में भी जल्द ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य में 709 राजकीय विद्यालयों में 1,418 स्मार्ट कक्षाएं चलाने का दावा भी सरकार कर रही है। अब सरकार ये कह रही है कि हम छात्रों के हितों के लिए कदम उठा रहे हैं और विपक्ष बेवजह बवाल काट रहा है, जो कि जायज नहीं है। टैबलेट जरूरत है छात्रों की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सियासी मूड में आ चुकी धामी की सरकार आज ही ये कदम क्यों उठा रही है, वो भी तब जब कुछ ही दिनों के बाद चुनावी आचार संहिता लागू होने जा रही है। तो क्या यह वाकई सियासी कदम है? अगर हां, तो क्या इस सियासी कदम का धामी सरकार को मिलेगा फायदा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से, लेकिन पहले सीएम धामी ने आज इस न्यू ईयर गिफ्ट को जब जारी किया, न्यू ईयर गिफ्ट छात्रों को दिया, तब क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कोरोना महामारी काफी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएँ हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट से डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे, और हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उस सभी लोग बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनको टैबलेट दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे। इससे एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल दोनों की भी हमारे यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत हुई है, और आज साल का नया साल भी है। मैं सभी छात्र एवं छात्राओं को, सभी अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों से हमने ये आज डीबीटी के माध्यम से ये बच्चों को टैबलेट के लिए जो पैसा मुहैया कराया है सरकार ने, वो निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तो आज इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे तीन मेहमान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से।
लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने जिस तरह से इस सरकार की सोच पर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है बेहद आक्रामक। जरा सुनिए कांग्रेस के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं। सुजाता पॉल जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, प्रदेश प्रवक्ता, वो क्या कुछ कह रही है सुनिए जरा, और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की निठल्ली नाकारामा कर और गद्दार सरकार, तीन मुख्यमंत्रियों वाली, दो मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया अपने घोषणा पत्र के बारे में, तीसरे मुख्यमंत्री सोचते हैं कि चुनाव आने वाले हैं तो वो सब कुछ कर दो जो करा जा सकता है। और भ्रष्टाचारी इसलिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, क्योंकि अब जो टैबलेट्स की बात कही गई थी कि टैबलेट्स और लैपटॉप्स दिए जाएंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों को, पहले कहा दिए जाएंगे, जब सवाल उठा सदन में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कि भ्रष्टाचार का खेल मत करो, बहुत महंगे खरीद रहे हो, मगर सच्चाई ये है कि इस भ्रष्टाचार को ये आगे बढ़ा रहे, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है और अब इन्होंने बांटने शुरू कर दिए हैं 10वीं और 12वीं के छात्रों को, छात्राओं को ये टैबलेट। आखिर क्यों इसके पहले कर देते, कम से कम 4 साल या 5 साल पहले कर देते तो कुछ समझ में आता। विजन है ये आपका कि घोषणा पत्र में जो लिखते हैं उसे करना नहीं जानते, कर नहीं सकते, करना चाहते नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, आप चाहते हैं कि लोग भिखारी हो जाए। भिक्षुओं की सरकार भिखारी बना के जाएगी, क्योंकि अब चोर लुटेरों की सरकार है, चौकीदार बन के आए हैं और चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं डकैती, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी है। कोरोना के समय में ही दे देते इन टैबलेट्स को तो 10वीं और 12वीं के छात्रों को, छात्राओं को फायदा हो जाता, मगर ये नहीं करना था। अब करना है भ्रष्टाचार, और जानते हैं आपकी रही आपकी सरकार, इससे कुछ भी कर लीजिए फायदा कुछ होने वाला नहीं है। पर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी पुष्कर सिंह धामी, आप बता रहे हैं कि आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस राज्य का मुख्यमंत्री ना पहले कभी बना, और अगर आप ये टैबलेट्स बांट रहे हैं जनता के पैसे को बर्बाद करके, तो ये किस दाम में खरीद रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे कहां से आ रहे हैं। की तरफ आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है उत्तराखंड बीजेपी के, साथ ही साथ राजीव चौधरी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप तीनों को और उत्तराखंड की समूची आवाम को, जो कुछ ही वक्त में पूछता है उत्तराखंड कार्यक्रम के साथ भावनाओं के साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस नए साल में भी और आज के नए साल के पहले कार्यक्रम में भी। मेरा सबसे पहला सवाल उमा जी आपसे है और कांग्रेस से है। आप लोग कह रहे थे टैबलेट दो, वरना फिर डीबीटी के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करिए। आज सीएम साहब ने न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया, आप लोगों को एतराज है। उमा जी पहले आपसे, क्यों एतराज है इतना, सीएम साहब ने आज न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। मेरा एतराज सिर्फ इस बात पर है कि 4.5 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। आपने कहा डबल इंजन दीजिए, 2017 में मोदी जी यहाँ आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कि डबल इंजन दीजिए, एक इंजन दिल्ली में और एक इंजन मुझे उत्तराखंड में दीजिए। हमारी भोली भाली जनता ने डबल इंजन की सरकार दी, 57 विधायकों को सत्तासीन किया और भाजपा जो है वो विधानसभा में पहुंची। मेरा प्रश्न ये है कि आज 4.5 साल बाद जब चुनाव का टाइम आया है, तब आप बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं। 3,000 स्कूल हमारे उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। हमारे बस्तियों की आप आकर हालत देखिए, हमारे बस्ती के स्कूलों की आज आप आकर हालत देखिए। बस्ती से बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, जाएं कैसे, वहां पर ना टीचर्स है, वहां पर ना शौचालय है, वहां पर ना पानी है, वहां पर ना कुर्सी है, ना मेज है। उसके बाद आप कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे हम लोग आपको टैबलेट बांट रहे हैं, और टैबलेट का जो शगुफा इस समय धामी, टैबलेट का जो शगुफा इस समय धामी जी छोड़ रहे हैं, जनता बिल्कुल समझती है। एंकर महोदय, मैं इस समय एक बस्ती में खड़ी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे यहाँ पर हैं। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप इन लोगों से पूछिए कि क्या 4.5 साल बाद इनका जरा सा भी इनके जीवन स्तर में सुधार आया, क्या इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं मिल पाई है जो ये बच्चे हकदार है। इनकी कमी सिर्फ इतनी है क्योंकि ये गरीब है। मैं पूछती हूँ संजीव वर्मा जी से, संजीव वर्मा जी आप मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, क्या आप लोगों को इनकी हालत देखकर शर्म महसूस नहीं होती, आपकी आत्मा आप लोगों को धिक्कारती नहीं है कि आज
साढ़े चार साल बाद जब चुनाव का टाइम आया तो आप इन बच्चों को टैबलेट देने वाले हैं। भाई इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या इनको टैबलेट चलानी आती है, क्या ये लोग इतने साक्षर हैं कि वो टैबलेट को समझ पाए, या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेंगे इसके बाद, आप इनको टैबलेट बांट दीजिए, इनको टैबलेट चलानी नहीं आती, उसके बाद इस टैबलेट को ये लोग बेचने के लिए जाएंगे। संजीव वर्मा जी, साढ़े चार साल आपके पास थे, आप चाहते तो आमूल परिवर्तन उत्तराखंड की शिक्षा में कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सिर्फ खनन का काम किया, आप लोगों ने सिर्फ शराब पहुंचाई, दूसरी बात लोगों ने शराब पहुंचाई। मैं एंकर महोदय, मैं आपसे दो मिनट का टाइम चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इन बच्चों से जरूर पूछें कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके स्कूलों की व्यवस्था क्या है। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा उत्तराखंड, ये है वो लोग जो वोट देकर आप लोगों की सरकार बनाते हैं और आप लोग को शर्म नहीं आती, इनका वोट देने लेने के बाद आप फिर वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। एंकर महोदय, ये असली भारत, इस असली भारत पर मैं बिल्कुल, इस असली भारत की तस्वीर हम रोज 3:30 बजे कार्यक्रम चलता है हमारा मेरा देश मेरा गांव, उसमें भी दिखाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं उमा जी, लेकिन मैं एक बात इसके साथ जोड़ूंगा। मुझे मालूम है एंकर महोदय, मैं एक बात जोड़ रहा हूँ उमा जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ उमा जी, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए उमा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है जो हमेशा देता हूँ, जिस दिन आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे ना, तो व्यवस्था वहीं सुधर जाएगी, मैं दावा कर रहा हूँ। और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उस दिन सरकारी स्कूल की सूरत बदल जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अमानतुल्लाह खान के बच्चों को देख लीजिए कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के बेटे और उनके यहाँ जो खाना बनाती है उसका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग इम्प्लीमेंट पूरे देश में हो जाए तो पता चल जाएगा। ओके संजीव वर्मा जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि आपने आज कर दिया न्यू ईयर गिफ्ट ऐलान, कुछ रोज पहले कर देते आप लोगों की नियत पे शक ही ना होता, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। संजीव वर्मा जी का ऑडियो प्लीज। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, अपने जो कांग्रेस ने दावा भी, लेकिन वो दावे और वादे वो कार्य के अंदर मजबूत रहे। 5-7 साल कांग्रेस की सरकार के रहे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं। सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, सर आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, सरकार की आवाज अगर सही समय पर सही वक्त पर ना पहुंचे तो दिक्कत आ जाती है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगा कि आपको हम दोबारा से कनेक्ट करें, लेकिन राजीव चौधरी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्यों एतराज है? क्या दिक्कत है? सरकार ने ऐलान कर दिया टैबलेट दे रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं, आपको दिक्कत है, बताइए क्यों? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोगों का तो ये हमेशा से हमारी सरकार ने तो ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग छात्रों को टैबलेट भी देंगे और पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण देंगे। लेकिन मेरा हमें शक इस बात पे होता है, जब इतने बड़े मैंडेट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश के अंदर, तो ये काम करने में 5 साल क्यों लग गए? जब चंद दिनों बाद आचार संहिता लग जानी है, आज जो है मुख्यमंत्री घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घोषणा मंत्री के रूप में इनका नाम हो जाएगा एक दिन। आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं कोरोना महामारी के टाइम पे समय बच्चों से स्कूलों प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो फीस ली जा रही है, जो बच्चे स्कूल में नहीं गई हैं, उन पे उन बच्चों का भविष्य खतरे में है, उन पे ध्यान ना देके आपने कभी सरकार ने कोशिश की कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसी ने ये कोशिश की प्राइवेट स्कूल क्यों बच्चों से फीस ले रहे हैं? मेरा सवाल, हमें मनसा पे शक है, हमें इनकी मनसा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल घोषणाएं कर रहे हैं, और आज जब चुनाव इनके सर पे आ गया है और भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर घिरी हुई है, बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी हुई है, और जो बेरोजगारी में हम हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट राज्यों में से एक हैं, इन मुद्दों का जवाब में एक लोग घिरे हुए हैं, पलायन के मुद्दे पे लोग घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लोग घिरे हुए हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री का बदलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। ये पहली सरकार होगी जो 70 में से 57 विधायक लेने के बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है और अभी भी तीसरा खतरे में है, हो सकता है आचार संहिता के बाद चौथा ना आ जाए। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक बोझ इस प्रदेश पर डालने का काम किया, जो कोरोना महामारी के टाइम में उत्तराखंड के नौजवान दूसरे राज्यों से
नौकरी छूटने के बाद वापस राज्य में आए, इस पार्टी के पास आज तक उनके खिलाफ कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि उन बच्चों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। राजीव जी, राजीव जी, मैं सही हूं तो ये सपना शायद हरीश रावत जी ने देखा था कि टैबलेट बांटेंगे। जी जी, है ना, आप तो कर नहीं पाए, आज सरकार कर रही है, आपको उस पर भी दिक्कत है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हमें ये कहना है ये सपना हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने देखा था, और लोग हम जब उसे करते तभी जनता ने हमें बदल दिया और एक भारी मैंडेट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा अगर थी तो ये त्रिवेंद्र रावत जी ने क्यों नहीं किया, फिर तीरथ सिंह रावत आए उन्होंने क्यों नहीं किया, आज धामी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, नहीं कर पाए ना, तीरथ जी भी नहीं कर पाए, अब वो कह रहे कि धामी जी ने करके दिखा दिया। मैं यही तो मेरा यही सवाल है, या तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता के सामने क्लियर करे कि तीरथ सिंह रावत गलत थे, उन्होंने सही काम नहीं किया इसलिए उन्हें हटाया गया, फिर त्रिवेंद्र रावत गलत थे उन्हें इसलिए हटाया गया। तो ये लोग उस जो 4.5 साल इस प्रदेश की जनता के बर्बाद हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसका जवाब कौन देगा, ये हमारा सवाल है। और आज चुनाव से चंद दिन पहले आप लॉलीपॉप बांटने का काम कर रहे हैं। उमा जी, ये तो कह रहे कि हरीश रावत जी ने सपना देखा था, हरीश रावत जी ने चाहा था कि टैबलेट बांटे जाए, आज धामी जी ने पूरा कर दिया वो सपना, ये कह रहे हैं, लेकिन सियासी मंशा है। आपको लगता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? देखिए, मेरा प्रश्न कांग्रेस से भी है और मेरा प्रश्न बीजेपी से भी है, टैबलेट बांटकर आप क्या करेंगे? आप ये बताइए ना, जब हमारे बच्चों की जो साक्षरता का जो स्तर है वो इस स्तर पे है ही नहीं कि वो टैबलेट को चला पाए, तो टैबलेट का सब आप टैबलेट बांट दीजिए, आप हाथी घोड़ा सब बांट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है जब उनको चलाना ही नहीं आता है। आमूलचूल परिवर्तन आज उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था मांगती है, बच्चों को जब शुरू से पहले दिन से एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, जैसे कि दूसरे अच्छे स्कूलों में होता है, वो क्वालिटी एजुकेशन जब सरकारी स्कूल को बच्चे को दी जाएगी, तब बच्चे जो है वो कंप्यूटर चलाने के लायक होंगे। अभी क्या होगा, आपने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ चुनाव के टाइम में आपने झूठा लालच में बोलूंगी ये देने के लिए कि बच्चों को टैबलेट बांट दो तो बच्चों के माँ बाप के आपको वोट मिल जाएंगे। मैं मानती हूँ कि हरीश रावत जी ने इस बात को कहा था कि टैबलेट बांटे जाए स्कूल में, लेकिन मेरा माननीय जो प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ पर कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि हरीश रावत जी ने या कांग्रेस के सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति बदलने के लिए क्या काम किए, वो एक बार एक काम गिना दे। बुरी स्थिति है और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं, हमारे गरीबों के बच्चे जो नहीं पढ़ा सकते 5,000 और 8,000 या 10,000 रुपए महीना की तनख्वाह देकर अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों में। सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को इतना नीचे करके रखा ताकि जो माफिया है ना प्राइवेट स्कूलों का, उस माफिया की दुकानें चलती रहे। ये कारण है कि आज उत्तराखंड के सरकारी स्कूल इस बदहाल स्थिति में है कि कोई भी इंसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसके पास तनख्वाह वहाँ पे बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। ये दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है और हमारे उन नौनिहालों के साथ अन्याय किया है जो एक अच्छी एजुकेशन के हकदार हो सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वो हक उनको लेने नहीं दिया क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। जनता गरीब रहेगी तो आपके अध्यय और पंपों पर बिकती रहेगी, ये आप लोगों की राजनीति है। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि हमारे बच्चे उस एजुकेशन के लायक थे जो एक अमीर आदमी के बच्चों को मिलने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बात ही खत्म नहीं हो पा रही, तो क्या जवाब। मेरा कहना यह है, मैं उमा जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनका कई बार इनको मैंने सुना है, बड़ी विद्वान है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हरीश रावत जी ने एक को जब मौका मिला, उनको 3 साल का समय लगभग यहां मिला, तो उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार किया था और उसी में लैपटॉप का भी मामला था, उसी में मुफ्त बिजली का भी मामला था, उसी में तीर्थ बुजुर्गों को तीर्थ फ्री यात्रा कराने का भी मामला था, सब काम हमारे चल रहे थे। 22 तरह की पेंशन हरीश रावत जी ने जरूरतमंदों के लिए यहाँ बांटने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार माते मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अपने भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर हरीश रावत जी ने इतने काम किए थे दोनों सीटों से क्यों हार गए हरीश रावत जी? राजनीति आप जवाब दीजिए, बमुश्किल आप लोग दहाई के अंत तक पहुंचे, बमुश्किल आप लोगों को 11 विधायक आप लोग जीत पाए। अगर हरीश रावत जी इतने बेहतरीन नेता थे तो आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप जवाब आपको देना पड़ेगा ना। जनता ने आप लोग जनता ने आपको वोट नहीं दिया,
आप 11 विधायकों पर आ गए, आप पूरी तरह से हारे 2017 का चुनाव। अगर हरीश हमारी विधायकों के आने से मनसा में क्या फर्क पड़ता है? उमा जी आप दूसरे की बात को सुनने की आदत डालिए। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप कभी किसी की सुनते नहीं है, अपनी बात को सही साबित करने के तुले रहते हैं। दिल्ली के हालात हमने देखे हैं, आज दिल्ली के अंदर जब भी कोरोना महामारी का लॉकडाउन की व्यवस्था बनती है, आपके मुख्यमंत्री भाई दिल्ली देने का वादा करने के बाद हम लोग उत्तराखंड में बसों में भरवा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 3 बार प्रचंड बहुमत के साथ आई है। आप उत्तराखंड की बात कीजिए, आपको दहाई के मुद्दे पर आते हैं, आज ये टैबलेट देने से इन छात्रों का भला हो जाएगा? मेरा सवाल बिल्कुल यही आज भी जस का तस है कि क्या सिर्फ टैबलेट बांट देने से या डीबीटी के माध्यम से इनको धनराशि देने से क्या इनका भला हो जाएगा? उमा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उस बात से सहमत हूं और कई लोग हैं इस बात को लेकर आपत्ति जताते हैं। ये शिक्षा माफिया, मैं लगातार शब्द इस्तेमाल करता हूं, ये शिक्षा माफिया है ना, देहरादून में भी हावी है। उमा जी और राजीव जी, हकीकत यह भी है कि उत्तराखंड के कई नेता हैं जो अपने प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, जिनके स्कूल चल रहे हैं। एंकर महोदय, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। मैं बता रहा हूं, हमारे सरकारी स्कूल का स्तर सुधरे, हमारे गरीबों के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, दोनों पार्टियां नहीं चाहती। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की व्यवस्था में जो परिवर्तन किया है, इस वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार उत्तराखंड में बौखलाई हुई है। आम जनता हमारे साथ है, आम जनता का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से कानून लगा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी के सब नेता जेल चले जाएंगे। आप बच्चों को पहले पढ़ना सिखा दीजिए ना, करते हैं उमा जी, आपकी आदत है आपकी पार्टी की, आप दूसरों के मुद्दे कॉपी करते हैं। आपके केजरीवाल जी ने घोषणा की हमने मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए, हम कर चुके हैं, जो आप घोषणा कर रहे हैं हम काम कर चुके हैं। ओके, एक मिनट, संजीव वर्मा जी, पानी पी पी कर उमा जी और राजीव चौधरी जी आपको कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सियासी गिफ्ट जो आपने न्यू ईयर का बांटा है, ये मंशा आप लोगों की ठीक नहीं है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। संजीव वर्मा जी, एंकर महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, मेरा प्रश्न मैडम मेरी दरख्वास्त है आपसे, या तो मैं बाहर चला जाता हूँ, आप एंकरिंग कर लीजिए, दोनों ही आप आके बैठ जाइए। उमा जी रुकिए, उमा जी मैं सवाल उठा रहा हूँ ना, अगर आपको एंकरिंग करनी है तो आप आ जाइए, मैं सवाल आप ही का लेकर जा रहा हूँ आगे, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो आप बैठ जाइए, आइए, एक मिनट रुक जाइए। उमा जी आप ही का प्रश्न उठा रहा हूँ, संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। संजीव वर्मा जी का माइक बंद है। संजीव वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए सर, बोलिए संजीव वर्मा जी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अपनी बात रखिए। कांग्रेस को उत्तराखंड में दो बार मौका मिला, वर्मा जी की तो आज आवाज ही नहीं निकल रही है, वर्मा जी बोलेंगे क्या, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वर्मा जी की आवाज नहीं निकल रही, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं, मैं कनेक्ट करता हूँ, वो तकनीकी दिक्कत हो सकती है कि वो फोन कनेक्ट ना हो रहा। राजीव चौधरी, राजीव चौधरी अभी अभी कोई बात नहीं ना बीजेपी की, तो अभी अभी बहुत लंबी लंबी बातें आप लोग करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में है, अदरवाइज लोग डिबेट में भी नहीं आते। ओके ओके, राजीव वर्मा जी हमारे साथ, एक सेकंड, संजीव वर्मा जुड़ रहे, लेकिन एक बात, राजीव चौधरी जी जो बात उमा जी कह रही है, मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। जब आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, मतलब सरकारी स्कूल में, जब आप लोग खुद ही शिक्षा माफियाओं के हाथों कठपुतली बन जाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे? आज टैबलेट बांटने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। देहरादून शिक्षा का हब है, लेकिन एक तस्वीर वो भी है जो उमा जी दिखा रही थी कि इन दलित बच्चों का क्या, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, क्या वो टैबलेट चला सकते हैं? मेरा सवाल जो आपने उठाया, मैं उसके साथ हूँ, और शिक्षा माफिया के खिलाफ जब भी हैं, हम लोगों ने भी आवाज उठाई है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, लेकिन केवल और केवल एक रूप में के रूप देखने की बात की जाए, हमने कहा कि जब हमारी सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे,
तो उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी यहाँ दिक्कत आती है, आगे हम टैबलेट देने का काम करेंगे जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है कि हमें मौका नहीं मिला था, हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वो जो योजनाएं हमारी थी उस योजनाओं को उन्होंने सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आज जब सरकार चुनाव में आई है और जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से मुद्दों से घिरी हुई है, तो जनता को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए इस तरह के आश्वासन देने का काम कर रही है, घोषणाएं पे घोषणाएं करने का काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा सवाल ये, हमें टैबलेट बांटने पे दिक्कत नहीं है, हमें सरकार की मंशा पे दिक्कत है कि सरकार अगर सही में ईमानदार है, उसकी मंशा सही है, तो ये काम पहले करना चाहिए था। आज चुनाव से चंद दिन पहले जहां आचार संहिता सर पे खड़ी, संजीव वर्मा जी वो कह रहे पहले कर देते ना, आप पहले करने में दिक्कत क्या थी? रजत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहले ही बताइए। जी सर अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक रजत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमने वायदा किया था कि हम गरीब बच्चों को और 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट देंगे, क्योंकि जिस तरह से विगत में कोरोना काल एक बहुत दुश्वारी भरा गुजरा, जिस समय पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा ऑनलाइन की पढ़ाई पर आ गया, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा वर्ग जो हमारा निर्धन वर्ग है और जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके माता पिता उन माता पिताओं को, उन अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो सरकार ने कितना अच्छा एक प्रयत्न किया। सर ये साढ़े चार साल क्यों लग गए वर्मा जी? साकार रोक दिया वर्मा जी, लेकिन ये साढ़े चार साल क्यों लग गए आपको? सर मेरी बात होने दीजिए प्लीज। देखिए कांग्रेस ने भी वायदा किया था टैबलेट देने का और इन्होंने वायदा किया था ये एक टैबलेट का और ये कंप्यूटर देने का, लेकिन आपके वायदे केवल घोषणाओं के पिटारे में बंद हुए रह गए और आप सरकार से रुखसत हो गए। हमने जो वायदा किया हमने देर में दिया, पहले दिया लेकिन दिया, हमने अपने वायदे को नहीं, रुखसत तो त्रिवेंद्र जी भी हो गए और तीरथ जी भी हो गए कुर्सी से। मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी क्यों नहीं कर पाए और धामी जी ने कैसे कर लिया, मेरा एक छोटा सा सवाल। रजत जी बात विषय ये नहीं होना चाहिए कि तब दिया तब नहीं दिया या अब दिया, विषय ये होना चाहिए कि नहीं नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप पहले दे देते ना छात्रों को इतना नुकसान थोड़ी ना होता पढ़ाई का। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पारदर्शिता के साथ डीबीटी के माध्यम से उन अभिभावकों की जो आवश्यकता थी उसको पूरा किया। मैं आपको अपना आंखों देखा बता रहा हूँ, कल मैं यूनियन बैंक में एंकर महोदय मुझे लगता है शायद मेरे कान में कुछ परेशानी है, मुझे संजय वर्मा जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट उमा जी आ रहा हूँ, संजीव मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। उमा जी आप उमा जी एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं आपसे पूछ लूंगा सवाल, एक मिनट सुन लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता जी इस समय कर रहे हैं ना, बाकी में बीजेपी इस समय यही कर रही है, काम करते रहे दिखा रहे हैं, उनका बोले सुनाई कह रहे हैं। उमा जी भी कह रही है मैं भी मलिन बस्ती में हूँ, लेकिन वहाँ के छात्रों को तो कुछ मिला ही नहीं, वहाँ के छात्र अगर टैबलेट ले भी लेंगे तो उनको चलाना भी तो आए। मैंने सुना नहीं आपकी बात। उमा जी कह रही है आप मलिन बस्ती में जाइए, उन छात्रों से पूछिए उनको टैबलेट मिला, और टैबलेट मिला उनको चलाने आता है, पहले ये भी तो पूछ लीजिए। उमा जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या गरीब को टैबलेट चलाने का अधिकार नहीं? आप गरीब विरोधी है, आप समाज विरोधी है, आप समाज के। उमा जी वो ये कह रहे हैं आप समाज विरोधी है, क्या अगर गरीब के बच्चे को टैबलेट मिल जाएगा आप उसका विरोध कर रही हैं? ओके संजीव जी एक मिनट,
उमा जी जवाब, गरीब के बच्चों को टैबलेट का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं हम, गरीब के बच्चों को बचपन से एजुकेशन देने का समर्थन करते हैं। आप उन आपने आपने टैबलेट बांट दिया सर, आपके बच्चों को बीपी शुरू हो गई, आपने स्कूल में जाकर देखा कि शौचालय बने या नहीं बने, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है या नहीं है, वहाँ बैठने की कुर्सियाँ है या नहीं है। इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है आप इन टैबलेट के साथ साथ एक टीचर बोलते कि वो टैबलेट चलाना सीख पाए। संजीव वर्मा जी, ये झूठे बातें बंद कीजिए, जनता को परगराना बंद कीजिए, जनता को परगराना बंद कीजिए। अगर हम कहते हैं कि हम बिजली खरीदेंगे तो आप लोग पत्थर फ्री की आदत डालते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम हर महिला को 1000 रुपया देंगे तब आप कहते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, और आज तब आप उसका विरोध करते हैं, और आज आप कहते हैं कि आपने टैबलेट बांट के बिल्कुल सही किया। 1000 रुपए हम किसी महिला को देंगे तो महिला उन 1000 रुपए का यूज करेगी, लेकिन आप ऐसे टैबलेट बांट रहे हैं जिसको बच्चे कुछ दिनों के बाद ग्राउंड कहीं जाकर तो दस्ती में बेचेंगे, क्योंकि उनको चलाना नहीं आता। एक मिनट, क्या आपने उनको टैबलेट चलाना सिखाया? क्या आपने उनको टैबलेट चलाना सिखाया? क्या आपने कंप्यूटर के जो टीचर्स हैं उनको टैबलेट चलाना सिखाया बच्चों को, उसके बाद आप टैबलेट बांटिए? उमा जी एक मिनट, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को ABCD भी नहीं आती है कंप्यूटर की, और आप उनको कहते हैं कि हम लोग उनको टैबलेट करेंगे, ये शर्मनाक है और ये उनका मजाक उड़ाने। एक मिनट संजीव वर्मा एक मिनट आ रहा हूँ राजीव चौधरी जी आपके पास। पार्टी संजीव वर्मा जी, एक मिनट आ रहा हूँ। चौधरी की पार्टी है, आपस में क्या करते रहते हैं, एक का गुजरात मॉडल खत्म नहीं होता, एक का दिल्ली मॉडल खत्म नहीं होता, और दोनों ने मॉडल दिखा के इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। आपने भी कई मॉडल दिखाए ना, पंजाब का मॉडल दिखा रहे हो ना आप दुनिया को। हम कोई मॉडल नहीं दिखाते, हम तो हमने कभी किसी मॉडल की बात नहीं की। ओके, मत करो मॉडल की बात, 70 साल में बहुत मॉडल देखे। एक मिनट संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए, 70 साल में आज देश में जो भी कुछ हुआ है 70 साल की कांग्रेस की सरकारों की वजह से हुआ है। देश में जो आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो बेचने का काम कर रहे हैं वो सब संस्थान कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए, IIT हो। संजीव वर्मा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजीव वर्मा जी कांग्रेस के बनाए हुए। चौधरी जी एक मिनट रुकिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए। संजीव वर्मा जी मेरा ये कहना है कि आपने अब चलिए टैबलेट बांटने की शुरुआत आखिरकार कर दी, शुभारंभ कर दिया, लेकिन एक बार बताइए इसका सियासी फायदा मिलेगा क्या लगता है आपको? रजत जी हर काम सियासी फायदे नुकसान के लिए नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है, और अपने अपने जो कार्य होते हैं हम हर काम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। अच्छा, हम राजनीतिक अगर सियासी फायदे के लिए नहीं किया तो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो? आपने पूरे उत्तराखंड के खंबे पे बैनर लगा दिया जनता की गाड़ी कमाई को आप एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हो, तो ये सियासी फायदा लेने के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हो? अरे आपको भी तो मौका मिला था, आज उत्तराखंड के हर पोल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के आप अपनी योजनाओं का बखान करने का काम कर रहे हो, जो जमीन पे नहीं है। जो कांग्रेस की योजनाएं उनके नाम बदल बदल के आप लोग योजनाएं ला रहे हो, और उनका आपने उत्तराखंड की जनता का कमाई का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया अपने एडवर्टाइज में खड़ा कर दिया। आप लोग केवल और केवल इस एडवर्टाइज के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रहे हो। जो कोरोना काल में और GST और नोटबंदी से देश की बर्बादी हुई है, उस बर्बादी को नाकाम अपने नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आप कितने ही टैबलेट मांगे, आप कितनी ही झूठी घोषणाएं कर ले, अब उत्तराखंड की जनता आपकी बातों में आने वाले नहीं है। आपको इस प्रदेश से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश को भ्रष्टाचार दिया है, मुख्यमंत्री बदलने के काम करे हैं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आपके मुख्यमंत्री आते हैं खुलेआम नदियों में खनन कराते हैं, आपके मंत्री बनते कोई ढैचा चोरी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, भ्रष्टाचार में आप लोग लिप्त हैं, चारों तरफ से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आप लोग पूरे पूरे कोरोना के मामले में फेलियर हो गए। उत्तराखंड को आपने चौधरी जी लड़ना नहीं है, चर्चा करेंगे ना, लड़ेंगे नहीं। एक मिनट कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर लाए थे, ये इन्होंने उत्तराखंड को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है, और इस डबल इंजन इनके इंजीनियर ने डबल इंजन एक पहाड़ की तरफ लगा दिया, एक दिल्ली की तरफ लगा दिया। सवाल ले लीजिए चौधरी जी, एक मिनट, एक इंजन पहाड़ चौधरी जी दिल्ली की तरफ खींच रहा है। चौधरी जी एक मिनट उमा जी ओके, राजीव वर्मा जी आपने कहा कि आप सियासी फायदे के लिए नहीं कर रहे, सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। एक मिनट कितना तेजी से काम हो रहा है आपका सवाल लेकर जा रहा हूँ ना आगे, और
ऑल वेदर रोड हम पूरा कर चुके हैं, आज स्टेट हाईवे की हालत वो, हाँ सर सब कुछ स्वर्ग बना दिया आपने उत्तराखंड को, राम राज्य आ गया मैं मान गया, एक मिनट रुकिए आप स्टेट हाईवे देखिए, नेशनल हाईवे, उत्तराखंड को बेरोजगारी का के दलदल में भसा दिया है। उमा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, बेरोजगार आप ये कह रहे हैं कि सियासी फायदा लेने के लिए इन लोगों ने ये ऐलान किया, सियासी फायदा लेने के लिए आज सीएम ने घोषणा को धरातल पर उतारा, इससे सियासी फायदा होगा इनको कि नहीं? किसकी इनकी घोषणाओं को आप सियासी फायदा मिलेगा? देखिए मैं इसमें सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड की जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आप उन घोषणाओं को ठंडे बस्ते में डालते हैं। कम से कम दिल्ली में हम लोगों ने जो घोषणाएं करी हमने उन घोषणाओं को पूरा किया, हमने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन किया और संजीव वर्मा जी इस बात के बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं। जब मैं कहती हूँ कि जब मिलेनियर ट्रंप जी आई, इवांका ट्रंप जी आई, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकारी स्कूल देखने हैं, तो ये सरकारी स्कूलों का जो टंका इस समय पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल सरकार का बज रहा है, उसको बजाने के लिए हमें बीजेपी वालों की जरूरत नहीं है, या आम जनता है जो जानती है कि हम लोगों ने दिल्ली में काम किया है और लगातार तीन बार से दिल्ली में हमारी सरकार आ रही है, वो इन गरीब लोगों की वजह से, इन जनता की वजह से, जिनके भले के लिए हम लोग सोचते हैं। भाई मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, ये बच्चे जो हिंदुस्तान के नौ निहाल है, जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, क्या इन लोगों को, क्या इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या इनके इनका दोष ये है कि माँ बाप गरीब है, इनको बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते? क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि ये लोग पढ़ लिख कर बड़े अच्छी नौकरियों पर जाए, काम करें? लेकिन संजीव वर्मा जी का कहना यह है कि हमने टेबलेट बांट दिए तो हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, भैया जनता को आप लोगों ने लूटा है। संजीव वर्मा जी मैं बोल देता हूं, आपका राज मत करिए उमा जी अभी एक सेकंड, संजीव वर्मा जी आप तो एक साथ स्कूल में पढ़े हैं मेरे ख्याल से, एक मिनट संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी आप लोग काम करते हैं दिल्ली में, वर्मा जी कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ सर सभी सेवा कर रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं, जनता की सवाल ले लीजिए, सेवा नहीं कर रहे हैं वर्मा जी, 8 साल से मेवा खा रहे हैं, मेवा जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट वर्मा जी मैं काम करता हूँ, वर्मा जी सुनिए ना, आप अब इतना आइसोलेशन में थे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हाँ जी आपने 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 पकड़ पकड़ के लोगों को रोजगार भी दिया उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के 5-स्टार होटल बनाने में आपका ध्यान है भैया? अच्छा वर्मा जी एक मिनट, सेवा नहीं कर रहे हो, अपनी सेवा कर लो, एक मिनट वर्मा जी, एक सेकंड चौधरी जी, एक सेकंड अभी क्लियर कर देते हैं, बार बार उमा जी कह रही है सरकारी स्कूल। वर्मा जी आप उमा जी को बोलिए ना, चलिए छोड़िए मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली में है अभी, आप उमा जी को सरकारी स्कूल घुमाइए 3 ऐसे जो दिल्ली मॉडल की तर्ज पर दिखाई देते हो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? वर्मा जी 3 नहीं भाई, मैं एक सरकारी स्कूल की बात करते हूं, सिर्फ एक बता दीजिए, तीन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक बता दीजिए। उमा जी आप 3 की बात कर रहे हैं, मैं 30 दिखाऊंगा, आप चलने को तैयार होइए, मैं चलूंगा, आप मुझे तारीख बताइए मैं आता हूँ, मैं दिल्ली से देहरादून आता हूँ, कब बोले आप बोलिए, संजीव वर्मा छोड़िए इनको, उमा जी को छोड़िए मुझे दिखाइए, उमा जी को छोड़िए मुझे दिखाइए, मैं कब आऊँ दिल्ली से, देहरादून आ रहा हूँ सर, कब बोलिए आप, बोलिए मैं आता हूँ, वर्मा जी आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा, 3 स्कूल दिखा दीजिए मुझे, देहरादून के दिखा दीजिए, पहाड़ तो छोड़िए, 3 स्कूल दिखाइए मुझे, दिल्ली की शिक्षा का मॉडल कहा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आप 3 नहीं मैं 30 सर मैं दिखाऊंगा, आप समय निश्चित करिए, मैं दिखाऊंगा, आप बोलिए समय आप निश्चित करिए, तारीख आप बोलिए, अपनी पूरी कैमरा टीम को साथ लेके चले, पक्का लेकर जाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा सर, लाइव दिखाऊंगा, कैमरा टीम तो छोड़िए, लाइव दिखाऊंगा, और बोलिए कब आऊँ, कब आऊँ देहरादून, बोलिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ, देहरादून कब आऊँ, बोलिए बोलिए सर, देहरादून कब आऊँ, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता सर, सच दिखाऊंगा, कब आऊँ,
अरे संजीव संजीव एक मिनट रुकिए, ये रहा मैं तारीख ले रहा हूँ, मैं तारीख ले रहा हूँ, मंगलवार का दिन निर्धारित करिए, मंगलवार चलते हैं साथ में, चलेंगे सर, कौन से तीन स्कूल है मुझे बता दीजिए, बिल्कुल चलेंगे, तीन स्कूल दिखाएंगे आप मुझे, बिल्कुल चलेंगे मेरे भाई, तीन सरकारी स्कूल, अरे आप तीन नहीं, मैं तीन दिखाऊंगा, मेरे को तीन दिखा दीजिए बस सर, मैं उमा जी को बताता हूँ, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए, उमा जी देख ले तीन स्कूल कौन से हैं, तीन स्कूल सर, बिल्कुल देखिएगा, पक्का मेरे को भी बुला लीजिएगा, इनका महोदय मैं भी इनके स्कूल देखना चाहूंगी, आप भी देखना चाहेंगे, चौधरी जी आपको भी देखना है, हरिद्वार से आना पड़ेगा आपको, कोई नहीं हम आ जाएंगे, राजनीति करते हैं, शर्म आने चाहिए, बेकार है आप भारत जैसी पार्टियों के लिए, तुष्टिकरण की पार्टी है, तुष्टिकरण की पार्टी है, राजीव चौधरी जी आप देखिए आपके सामने मैंने चैलेंज लिखवा लिया, उमा जी बोलते रहेंगे, मैंने सामने कहा कि वर्मा जी मुझे तीन स्कूल दिखा दो, कहते तीन दिखाऊंगा, मैंने कहा तीन दिखा दो, भारतीय जनता एंकर साहब भारतीय जनता पार्टी के पास लास्ट में आकर तुष्टिकरण के अलावा कोई सवाल ही नहीं रह जाता है, इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाना और जनता को धर्म के नाम पर बांटने में टिकी हुई है, मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं चैलेंज करता हूं अपने मुख्यमंत्री धामी जी को कि आप आने वाले चुनाव में अपने विकास पर वोट मांगिए, कहीं हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, आप चैलेंज स्वीकार करते हैं कि आप धार्मिक बंटवारे की बात नहीं करेंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, ये मेरा खुला चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी की, विकास के नाम पे बात करोगे चौधरी साहब नहीं खेल पाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ नहीं खेल पाओगे, इनकी पिच पर जाकर क्यों खेल रहे हो, अभी शिक्षा की बात है, शिक्षा में रहो ना, आप फिर जय श्री राम के नारे लगाओगे यहाँ पर, आप नहीं खेल पाओगे उनकी पिच पे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हम तो भैया जय श्री राम वाले इनसे पहले हैं, हमारे यहाँ तो सीताराम इनसे पहले है, हमने तो 1986 में राम मंदिर की स्थापना कर दी थी, हाँ जी हाँ जी, हमने तो 1986 में शिलान्यास कर दिया, जी जी आपने शिलान्यास किया, तिवारी जी ने गेट खुलवाया, मैं सब जानता हूँ, शाहबानू भी मुझे याद मत दिलाओ, शाहबानू भी आ जाएगी फिर, रुक जाओ मैं इतना कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्या है, नहीं नहीं छोड़िए उस बात को सर, छोड़िए उस, एक सेकंड, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के स्तर में टैबलेट के आने से क्या वो व्यवस्थाओं को सुधार हो जाएगा, क्या ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो लूट मची थी, लूट सको तो लूट, लूट सको तो लूट, प्राइवेट स्कूलों ने जितना लूटा, कुछ थे जिन्होंने स्कूल की फीस माफ कर दी बच्चों की, लेकिन कुछ थे जिन्होंने जितना लूटना चाहा उतना लूटा, संजीव वर्मा जी समझ रहे हैं ना, तो ऐसे टैबलेट नीति से कुछ सुधार हो जाएगा आपको लगता है, रजत जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, देखिए रजत जी दूसरी जगह है, यहाँ तिलक चावला बैठे हैं, सॉरी 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 तिलक जी, तिलक जी तिलक जी देखिए मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बोला कि ऑनलाइन के नाम पे लूटना, तो हमारी सरकार ने जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे कोरोना के काल में जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही थी उसमें क्योंकि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति को बहुत जबरदस्त डेंट लगा था और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे मध्यम वर्गीय और थोड़ा कमजोर वर्ग के लोग जो अपने बच्चों के फीस नहीं दे पा रहे थे, ऐसी स्थिति में कुछ स्कूलों से शिकायत आई थी सरकार के पास भी कि वो लोग बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि फीस जमा कराइए नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उन सब बातों का संज्ञान लेते हुए सर कितनों पर कार्रवाई, बिल्कुल कार्यवाही, आप मुझे बताइए ना कितनों पर कार्रवाई, तिलक जी कार्यवाही भी हुई है उसमें और सरकार ने स्पष्ट, क्या कोई एक स्कूल है ऐसा जिसमें कार्रवाई हुई कि सर कितनों पर कार्रवाई हुई बता दीजिए सर, आप अभिभावकों के ऊपर एक दबाव बनाएंगे तो आपके स्कूल का मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, सर आपने सिर्फ चेतावनी दी कागजों पर, हुआ तो बताइए एक स्कूल पर कार्रवाई हो बताइए, सर कागजों में चेतावनी देने के बाद बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो लगातार प्रेशर बना रहे थे, वो खाली
वाली चेतावनी के बाद ही सुधर गए, सब सुधर गए और काफी सब सुधर गए। स्कूलों ने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना बंद किया। अच्छा, और जिन लोगों ने उस बात को नहीं माना उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। सर मुझे बता दीजिए ना कितनों पर कार्रवाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका पूरा आंकड़ा मैं आपको दे पाऊंगा, दे दीजिएगा सर। पूरा मैं बता पाऊं, धामी सरकार में शिक्षा विभाग ने इतने स्कूलों पर कार्रवाई की, मैं उसका भी डाटा आपसे चाहूंगा, है ना सर? बिल्कुल पूरा आंकड़ा दूंगा सर मैं। हाँ दे दीजिएगा सर, उसका इंतजार भी रहेगा मुझे। लेकिन उमा जी, बिल्कुल उमा जी, अब छोड़िए ना इस बात का विरोध, क्यों आप कर रहे हैं कि बच्चों को टैबलेट मिल जाए अच्छी बात है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, ये राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी। आप थैंक यू बोले वर्मा जी को, कहिए कि थैंक यू, आप क्यों इतना नाराज हो रही हैं? भाई मैं वर्मा जी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, वर्मा जी अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं, उसका पक्ष लेते हैं। मेरी नाराजगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है, मेरी नाराजगी इससे पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम से है। सिस्टम क्या, देखिए गरीब के बच्चे को पूरा हक होता है कि उसको वो बराबर की एजुकेशन मिले जो किसी अमीर माँ बाप के बच्चे को होती है। आप उस बच्चे के दर्द को समझ सकते हैं। देखिए मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है, और मुझे इस बात को पब्लिकली कहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में थे और सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई होती नहीं थी। मैडम हम स्वेटर बनवाया करते थे, हम बैठे बोले बनाया करते थे, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करी या जो भी किया, हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। लेकिन काश कि हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी बेहतरीन होती कि मैं भी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ पाती और मेरी इंग्लिश क्लास उतनी फ्लुएंट होती जितने मेरी बेटी की इंग्लिश है। मुझे पब्लिकली बात कहकर बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मेरी बेटी से मैं बहुत सारी चीजों पर इंग्लिश का वो पूछती हूँ कि मैंने इंग्लिश दिखाया क्या, इसके अंदर टेंसिल और ये सब एक बार देख लो क्या मैंने सही लिखे हैं। और उस समय मुझे बड़ी अजीब स्थिति महसूस होती है कि काश मेरे माँ बाप भी इतना अमीर होते कि मैं भी सेंट जोसेफ पढ़ती या मुझे भी कॉन्वेंट की एजुकेशन मुझे मिलती। ये दर्द होता है एक बच्चे का, क्योंकि हमारे माँ बाप उतने अमीर नहीं थे कि मुझे भी बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ा पाते, लेकिन मैं खुद सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों को उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नहीं भेजा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को वो पूरा एजुकेशन मिले जो मुझे दिया या मेरे पति को दिया। मेरे हस्बैंड भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी बेहतरीन हो, जब वो सरकारी स्कूलों से पढ़कर कोई बच्चा निकले तो उसकी एजुकेशन वो करे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। वर्मा जी कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, जो आज छलक रहा है। उमा जी, उमा जी, वर्मा जी कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन शिक्षा का स्तर शून्य, उमा जी वर्मा जी कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आपने वो बयान दिया आपको शर्म आनी चाहिए, आपने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का अपमान किया। सरकारी स्कूलों का क्यों अपमान किया, हमने आपकी सरकार का अपमान किया है? आपकी सरकार ने बहुत बदतर हालत सरकारी स्कूलों की करी है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को इंसान नहीं समझते। मैं अपमान करती हूँ बीजेपी की सरकार का, खासतौर पर कांग्रेस की भी और बीजेपी की दोनों सरकारों का। आप लोगों को शर्मानी चाहिए कि मैं यहाँ लाइव टीवी पर बैठकर बोल रही हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। उमा जी आप जो टीवी चैनल पर बोल रही हैं, कांग्रेस अभी आपने स्वीकार किया आप और आपके हस्बैंड कांग्रेस के बनाए सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, आप दोनों पढ़े हुए हो। अब ये सरकारें उन स्कूलों को नहीं संभाल पाई, जो उसके बाद सरकारें आई हैं प्रदेश के अंदर वो स्कूलों को संभाल ही नहीं पाई। एक एक ईंट स्कूल के नाम की, सरकारी स्कूल के नाम की कांग्रेस ने लगाई है इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर। आप उस स्कूल में पढ़कर भी उसकी शिक्षा प्राप्त कर भी उसके ऊपर कांग्रेस के आरोप लगा देते हैं, ये आपकी राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है। आप साबित होता है कि आपने कांग्रेस के बनाए थे, जी आपने कांग्रेस के बनाए स्कूल में पढ़ाई कर दी, आपने आपने आपके नेता ने खड़गपुर में कांग्रेस की बनाई IIT में इंजीनियरिंग पढ़ाई कर ली, केजरीवाल जी ने खड़गपुर में शिक्षा प्राप्त की थी IIT में, किसका बनाया हुआ था? वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। आप जो आज देश में जो बोल रहे हो ये सब कांग्रेस के बोल रहे हो, अगर कांग्रेस ना होगी तो आप आज ऐसा लिखने लायक नहीं बचते। अगर कांग्रेस ना होगा आप चौधरी जी केजरीवाल खड़गपुर IIT करता है, वो खड़गपुर IIT कांग्रेस की बनाई हुई है। उमा जी जिस प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ी है वो किसका बनाया हुआ? इनके हस्बैंड है तो आप ही बनाएंगे ना, अगर आम आदमी पार्टी होती आम आदमी पार्टी बनाती, ये कैसा लॉजिक है? आम आदमी पार्टी हमने बनाया तो बनाया, भैया एहसान थोड़ी ना क्या देश पे?
देश ने आपको सेवा का मौका दिया, आपने बनाया। मैं कितने नए स्कूल बनाए आम आदमी पार्टी ने बताएं? अच्छा कितने नए स्कूल बनाए आम आदमी पार्टी ने आपको उसका हिसाब? चौधरी साहब आपको अगर नहीं पता तो आप चुप रहिए, मैं आप जाके मिलने ट्रंप से पूछ लीजिए। आप बताइए, आप टीवी पे बताइए, पूछ लीजिए बस उनको। आप मुझे उन स्कूलों का नाम दीजिए, आप मुझे उन सरकारी स्कूलों का नाम दो जो आपने बनाए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अंदर पुलिस स्कूलों का नाम दे दो। अरे हमारे बनाए स्कूलों पर आप पिटाई कर लेते हैं, हमारे बनाए स्कूलों पर पेंटिंग स्कूलों पर आप उनको अपना उपलब्धि बता रहे। कांग्रेस के बनाए स्कूलों की पेंटिंग करने से वो आपकी उपलब्धि नहीं होती। उस दीवार को कांग्रेस ने बनाया, उस कांग्रेस को कांग्रेस ने बनाया, आपने तो उसका रख रखाव नहीं हो रहा। आपने दो स्कूलों की आप एक नया एक नया स्कूल बता दो। दिल्ली की सरकार ने जो एक नया स्कूल बनाया, आप दिल्ली सरकार का बनाया। आप एक काम कर सकते हैं, नहीं नहीं लड़िए मत। आप तीनों ने अपना घोषणा पत्र बनाना है, विजन डॉक्यूमेंट। कोई विजन डॉक्यूमेंट बनाएगा, कोई घोषणा पत्र बनाएगा, है ना। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर एक अलग से एक मॉडल स्थापित करने का दावा आप तीनों कर रहे हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोरोना काल में, अब देखिए मैंने जैसे वर्मा जी से पूछा कि कितने स्कूलों पर आप लोगों ने कार्रवाई की, वो कह रहे की है, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में प्राइवेट सुविधाएं क्या मिल पा रही है जैसे प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं? खंड शिक्षा अधिकारी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, खंड शिक्षा अधिकारी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्कूल पर जाके प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा माफिया हैं उन पर कार्रवाई कर ले। वर्मा जी बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मैंने वो दौर भी देखा है कि विधायक अगर चिट्ठी लिख दे कि भैया ये छात्र फीस नहीं भर सकता, आप इसकी फीस माफ कर दो, वहां के प्रिंसिपल उठाते हैं, फाड़ देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको चिट्ठी को। मैं हकीकत बता रहा हूं, जो हकीकत है, जो शिक्षा माफिया हैं वो हर राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, हर राजनीतिक दल से। आप सबको शिक्षा का एक समान अधिकार दिलवा दीजिए। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल कर लीजिए और शपथ के साथ कर लीजिए। तिलक जी देखिए, हमारी सरकार ने, आपका सुझाव अच्छा है, जब से माननीय मोदी की सरकार 2014 से आई है, हमने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जो सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर लूट मैंने देखी है। ऑन एयर बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूलों में छोड़िए सर, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्कूल के नाम पर फीस की लूट मैंने देखी है, फीस की लूट नहीं हुई तो आप बोलिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बोलने देंगे तो मैं, तिलक जी बोलने देंगे तो मैं अपनी बात रखूं। तिलक जी मैंने कहा शिक्षा का अधिकार एक कार्यक्रम के अंतर्गत जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें हमने 15-20% कोटा गरीब वर्ग के लिए रखा है, वंचित वर्ग के लिए रखा सर, है सर आप भी जानते हैं वो कोटे का क्या होता है। जो चाह के भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा नहीं पाता था। अब चौधरी साहब फाइनल कमेंट आपका, वक्त की जरूरत नहीं दे रहा, फिर उमा जी फाइनल कमेंट आपका, जल्दी से चौधरी जी बच्चों को उन प्राइवेट करिए ना, बनाइए, नवप्रभात जी बना रहे हैं ना घोषणा पत्र, नवप्रभात जी बना रहे हैं ना, उनसे बोलिए एक सुझाव आपका भी ले ले। ये सुझाव ऑलरेडी उसमें है जो हमारी मीटिंग हुई थी। अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने दो तरह के घोषणा पत्र तैयार किए हैं, एक तो जो पूरे प्रदेश की स्थिति के ऊपर है, जो विधानसभा और जिले के स्तर पर बन रहा है, उन सबको इकट्ठा करके एक लोग हमारे लोग बना रहे हैं जो घोषणा पत्र। और मुझे खुशी है इस बात में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो आपने उठाया है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जब हमारा आपका घोषणा पत्र याद दिलाऊं आपको, नाराज मत होइएगा, किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वही घोषणा पत्र रोज ले जाते थे हरीश रावत जी के पास जब वो मुख्यमंत्री थे, कहते थे इसे याद कर लीजिए सर, प्लीज देख लीजिए ना सर, क्या पता इसमें कुछ हो जाए, कुछ करवा दीजिए सर। वो कहते थे कि मंदिर के साथ रखो, ये घोषणा पत्र है हमारा, याद दिला रहा हूँ सर, जब आप सत्ता में थे। देख है, उमा जी उस समय घोषणा पत्र को लेकर बड़े काम किए। हाँ, उस समय अहमियत आने वाले समय भी घोषणा पत्र मैं जानता हूँ। उमा जी
दिल्ली वाला मॉडल कह रहे हैं आप, लेकिन बड़ा मुश्किल है यहाँ। यहाँ शिक्षा माफिया हावी है, शिक्षा माफिया ये देहरादून है। देखिए मैं, हम लोग जरूर बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया सब हावी है, लेकिन जनता इस बात को समझेगी और जनता इस बात को जरूर समझेगी कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार आई और उसके बाद जनता ने उनको लगातार दो बार और जिताया और जनता वहां पर खुश है। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली से यहाँ तो पुरानी दीवारों पर पेंट भी नहीं कर पाओगे मैडम, पुरानी दीवारों पर पेंट नहीं हो पाएगा यहाँ। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रही हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा है, किसी को भरोसा नहीं है कि उत्तराखंड भी सही हो सकता है। शिक्षा का बजट मालूम है आप लोगों को? भरोसा देखिए देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तब लोगों को भरोसा नहीं था कि हम लोग इतना आगे निकलेंगे। किया है ना यहाँ के लोगों ने काम? चलिए कम से कम माना तो सही कि कांग्रेस ने कुछ काम किया। आप हिंदुस्तान थैंक यू, वक्त की जरूरत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी। और टैबलेट बांटिए, और बांटिए, खूब बांटिए टैबलेट। कम से कम वो शराब बांटने से अच्छा ये है कि टैबलेट बटे। जो शराब बटती है ना, उससे अच्छा ये है कि ये बच्चों को टैबलेट बटे। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आम आदमी पार्टी भी बांटे, कांग्रेस भी बांटे, और जमकर टैबलेट बांटो भैया। जब टैबलेट बांटोगे तो शराब बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यही छात्र आने वाले वक्त में आपको वोट देगा। शिक्षा का सुधार हुआ तो व्यवस्था का सुधार होगा, और इन्हीं शिक्षा के सुधार से कोई बच्चा आगे निकलकर विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए कह रहा हूं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हो गए हाजिर और पूछेगा उत्तराखंड एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा दसवीं में, बारहवीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 265,000 छात्र एवं छात्राएं हैं। उन सभी को हम टैबलेट देंगे।